हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 अलजेब्रा के फर्स्ट लेसन से। एक्टिविटी है 3, 2, 4, 5। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 3 मल्टीप्लाई बॉक्स है, माइनस बॉक्स मल्टीप्लाई 4, बॉक्स माइनस 8 और बॉक्स, ये इस टाइप से। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बॉक्स है, तो इसमें कैसे होता है, 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, और यहाँ मल्टीप्लाई 4 है, मतलब मल्टीप्लाई इसमें किससे हो रहा है, 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2 × 4। देखिए ऐसे डिटर्मिनेंट या निश्चयक में क्या करते हैं, पहले इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का सिंबल हमेशा लगेगा, याद रखिएगा 4 × 2। अब 5 × 3 जा क्या हो जाएगा 15, और ये 4 × 2 = 8, 15 − 8 क्या हो गया, 7 हो गया। ये केवल मैंने आपको को समझाने के लिए ये चिन्ह बनाया, आपको बनाने की जरूरत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे देखिए इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे −1 × 4, और यहाँ पे बीच में सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा, 7 × 2, 4 × 1 = 4, −4, 7 × 2 = 14, −4 − 14 = −18, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या है, 5 × 3 − 7 = 0, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 5 × 0, तो करेंगे ऐसे 5 × 0 और सिंबल का आ जाएगा −3 × −7, कैसे, 5 × 0 और 3 × 7, तो 5 × करेंगे 0 से कितना आएगा, 0 आएगा, और −3 × 7 = 21 = आपकी वैल्यू क्या आ गई, 21 आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 7 upon 3, 5 upon 3, 3 upon 2, 1 upon 2, तो इसमें भी क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर है, पहले इसका इसका मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 7 upon 3 × 1/2, −5 upon 3 × 3/2, यही हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब इस टाइप का हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 7 × 7 = 7, 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 − 15 upon 6, 6 एक ही बार लिखेंगे, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर केवल माइनस हो जाएगा, 7 − 15, 7 में से 15 निकलेगा, कितना आ जाएगा आपका, −8 upon 6। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो देखिए क्रैमर रूल है, तो यहां पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब साइमल्टेनियस इक्वेशन और इलिमिनेटिंग कोफिशिएंट से जाओ आप ठक्कर मर कर, तब यूज करो केवल और केवल क्रैमर। तो आप सबसे पहले, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपके पास विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि काम ना करे तब काम क्या करेगा, क्रैमर विधि। आराम से आप ध्यान लगा के करेंगे, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं, 3x − 4y = 10 है, 4x + 3y = 5 है, तो सबसे पहले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, 3x − 4y = 10, 4x + 3y = 5, ये आपके इक्वेशन हो गए। तो देखिए इसमें जो स्टेप है वो टोटल 5 स्टेप है, बहुत आसान सा है। सबसे पहले हम कैपिटल डी लिखते हैं, डी फॉर डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इस साइड आएगा x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है,
और यक्स का कोफिशियंट क्या है 4, तो उसको लिखेंगे, मतलब कि यक्स का कोफिशियंट ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में लिखेंगे। उसके बाद वाई का कोफिशियंट -4 और 3। अब इसको क्या करेंगे, जैसे अभी अभी सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करके आप कर लोगे। 3 × -4 − −4। ये माइनस फार्मूले से आए और ये माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो 3 × 3 = 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 4 = 16, टोटल आ गया आपका 25। ऐसे अब हम निकालेंगे dx मतलब d सफिक्स x। यहां पे क्या होगा कि जो यहां का x का कोफिशिएंट है इसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है 10 और 5, मतलब ये 10 और 5, तो 10 और 5 से 10 और 5 से रिप्लेस किया इसको 4, 3। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, 10 और 3 का गुणा हो जाएगा 10 × 3, माइनस फार्मूले का आ गया और इसके बाद 5 × −4। 10 × 3 = 30, माइनस माइनस प्लस 5 × 4 = 20 = 30 × 20 that is 50। इसके बाद dy जब निकालेंगे तो क्या होगा, y यहां पे वर्ड आया y, तो y का कोफिशिएंट चेंज होगा, x वाला वही रहेगा, तो यहां पे लिखेंगे 3, 4 और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे 10 और 5। 3 × 5 − 10 = 4 = 3, 5 = 15, 10 × 4 = 40। 40 − 15 दैट इज, यहां पे देखो 40 में से 15 निकलेगा आपका क्या आ जाएगा 25, और सिंबल लगेगा बड़े वाले नंबर का, तो यहां पे माइनस है इसलिए माइनस आ गया। अब हमारा एम क्या है, यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो यक्स के लिए फार्मूला होता है आपका, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, यक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डीएक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 50, 50 अपॉन डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 25, तो यक्स की वैल्यू 25 × 2 = 50, यक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2। ऐसे सेम निकालेंगे वाई की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी, तो −25 / 25 डिवाइड होगा तो −1, therefore x comma y is equal to x की वैल्यू 2 comma y की वैल्यू −1। तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्रैमर रूल से ऐसे था, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4x + 3y − 4 = 0, 6x = 8 − 5y, ये तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 4x + 3y, ये माइनस से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा = 4। अब इसमें 6x ये −5y उस साइड है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5y = 8। इसके बाद प्रोसीजर सेम टू सेम ऐसे ही करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, निश्चयक निकालेंगे, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का कोफिशिएंट मतलब 4, 6, 3, 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4, 5 का, तो 4 × 5 माइनस फार्मूले से आ गया 6 × 3, 4 × 5 = 20, 6 × 3 = 18, 20 − 18 = 2। अब इसके बाद क्या निकालेंगे dx, dx मतलब x का कॉफिशियंट चेंज होगा, x के कॉफिशियंट की जगह पे क्या आएगा कांस्टेंट टर्म 4, 8 आ जाएगा, तो 4, 8 और 3, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 − 8 × 3, 4, 5 = 20, 8, 3 = 24।
इज इक्वल टू माइनस फोर, डीवाई इज इक्वल टू, अब यहां पे y है तो y का कोफिशियंट चेंज होगा इससे, तो 4 6, और y वाली प्लेस पे क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म 4 8, 4 × 8 माइनस 4 × 6, 8 4 = 32 माइनस 6 4 = 24, 32 में से 24 निकलेगा बचेगा 8। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू के लिए फार्मूला आपको पता है dx अपान d, dx की वैल्यू आपने निकाला है क्या माइनस 4, और d की वैल्यू क्या है 2, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2। सेम ऐसे y की वैल्यू dy अपान d, 8 अपान 2, डिवाइड किया तो 2 4 = 8, therefore x कॉमा y माइनस 2 कॉमा 4, ये आपका आंसर हो गया। ओके, सी क्वेश्चन सेकंड का थर्ड, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखिए प्रोसीजर इसका भी सेम टू सेम वैसे ही, सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट, d इज इक्वल टू, यहां पे x का कॉफिशियंट कुछ नहीं, मतलब क्या है यहां पे 1 है, तो x का कॉफिशियंट क्या हो गया 1 2, और 2 - 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × -3 माइनस फार्मूले से आया 2 × 2, 1 3 = 3 - 3, 2 2 = 4, दैट इज -7। डीएक्स यक्स का कॉफिशियंट रिप्लेस होगा किससे, कांस्टेंट टर्म से, मतलब -1 एंड -1 एंड 12 से, और इधर 2 - 3 हो गया, तो -1 × -3 माइनस फार्मूले से 2 × 12, माइनस माइनस प्लस, 1 3 = 3, 2 12 = 24 इज इक्वल टू -21, 24 में से 3 निकलेगा 21 हो जाएगा -21। सेम ऐसे डीवाई इज इक्वल टू वाई है तो वाई का कॉफिशियंट रिप्लेस होगा 1 2, और ये सेम रहेगा 1 2 - 1 12, 12 1 = 12, या एक बार लिखकर आप दिखाइए 1 × 12 माइनस फार्मूले से 2 × -1, 12 1 = 12 माइनस माइनस प्लस 2, 12 2 12 और 2 14, देयरफॉर सिंस एक्स इज इक्वल टू dx अपॉन d फार्मूला होता है, तो dx की वैल्यू क्या है -21 अपॉन d की वैल्यू -7, डिवाइड हो गया तो 7 3 = 21, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy की वैल्यू 14 और d की वैल्यू -7, डिवाइड करेंगे 7 2 = 14, -2 आ गया, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6x - 4y इज इक्वल टू -12, 8x - 3y इज इक्वल टू -2। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या निकालना है हमको, d निकालना है, d के लिए क्या होगा x का कॉफिशियंट, x का कॉफिशियंट क्या है 6 और यहां पे 8, और यहां पे y का कॉफिशियंट -4 - 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × -3 माइनस फार्मूले का माइनस मल्टीप्लाई बाय -4, 6 3 = 18 -18 माइनस माइनस प्लस, 8 4 = 32, अब 32 में से 18 निकलेगा कितना हो जाएगा 14,
12 माइनस 8 दैट इज फॉर 2 माइनस 1 करेक्ट। dx x रिप्लेस होगा किससे, कांस्टेंट टर्म्स, माइनस 12 माइनस 2 और ये माइनस 4 माइनस 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 कैसे, माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 3 और माइनस फार्मूले का आया, उसके बाद माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 12 थ्री जै 36 और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस फिर से दे देगा तो 4 टू जै 8 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा 28 16 माइनस 8 दैट इज हाँ करेक्ट 28 dy। ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी में यहां पे बच्चे गलत लिख देते हैं, 26 लिख देते हैं अक्सर, मैंने देखा ये, तो आप उसको करिएगा ध्यान से। dy इज इक्वल टू, अब यहां पे y है तो y का कोएफिशिएंट चेंज होगा 6 8 माइनस 12 माइनस 2 तो 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस फार्मूले का 8 मल्टीप्लाई माइनस 12 6 टू जा 12 और सिंबल आ जाएगा माइनस का माइनस 12 और ये माइनस माइनस प्लस 12 एट जा 96 96 में से 12 निकलेगा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 84 पॉजिटिव। Therefore, x is equal to dx upon d. dx की वैल्यू क्या है 28 अपॉन d की वैल्यू क्या है 14 14 टू जा 28 y is equal to dy upon d. dy की वैल्यू क्या है 84 अपॉन d की वैल्यू 14 अब इसको डिवाइड कर देंगे 14 6 जा 84 आ गया क्या आपका 6। Therefore, x comma y is equal to 2 comma 6 ये आपका आंसर हो गया। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ वन 4m प्लस 6n इक्वल टू 54 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। इसमें देखिए m और n है बाकी कुछ भी नहीं, x और y की जगह पे वर्क क्या कर रहा है m और n, तो सेम प्रोसीजर वही है, लिखेंगे d इज इक्वल टू d का कोएफिशिएंट यहां पे m का कोएफिशिएंट लेंगे तो 4 3 6 2 सॉल्व करने का वही तरीका 4 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 6 तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस फार्मूले से आता है हमेशा 3 मल्टीप्लाई 6 4 टू जा 8 3 6 जा 18 8 माइनस 18 दैट इज माइनस 10 आपका d की वैल्यू आ गई। इसके बाद dx dx x है तो x का कोएफिशिएंट चेंज होगा क्या आ जाएगा 54 28 6 2 इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 28। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 54 टू जा 108 ये तो डायरेक्ट आ गया माइनस, अब क्या करेंगे 28 में 6 से मल्टीप्लाई तो 6 8 जा 48 कैरी 4 6 टू जा 12 12 एंड 4 1 6 हो जाएगा। अब इसमें से 168 से 108 निकलेगा हो जाएगा आपका 0 6 और ये माइनस माइनस 60 हो गया। ठीक है सेम ऐसे अब निकालेंगे dy की वैल्यू dy इज इक्वल टू y है तो y का कोएफिशिएंट चेंज होगा 4 3 54 28
इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई 3। ट्वेंटी एट फोर जा 112, 54 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 162, 4 3 जा 12 कैरी 1, 5 3 जा 15 16 करेक्ट। तो ये आपका आ गया माइनस 0, 6 में से बन जाएगा ये 50 हो जाएगा। Therefore, x इज इक्वल टू डीएक्स अपॉन डी, डीएक्स की वैल्यू क्या है माइनस 60 और डी की वैल्यू क्या है माइनस 10। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल 6 आ गया। सेम ऐसे वाई, डी वाई अपॉन डी माइनस 50 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 5। देयरफॉर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 6,5। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड का, सिक्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसमें क्या है, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अगर हम इसमें सब में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, 2x माइनस, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस वाई और ये इक्वल टू 1। तो देखिए इसको हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस, यहां पे कॉफिशियंट नहीं है मतलब 1y इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद सेम प्रोसीजर अपना आपको पता है, d इज इक्वल टू x का कॉफिशियंट 2 2, y का कॉफिशियंट 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस फार्मूले से 3 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 और 3 2 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 8। डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 8। सेम ऐसे डीएक्स, डीएक्स इज इक्वल टू यक्स है तो यक्स का कॉफिशियंट चेंज होगा 2 1 3 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस फार्मूले से 3 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। डी वाई, डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई है तो वाई का कोएफिशिएंट चेंज होगा, वाई का गुणांक चेंज कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2 2 2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई सेम वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स की वैल्यू माइनस 5 अपॉन डी की वैल्यू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल 5 अपॉन 8 आंसर। y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी माइनस 2 अपॉन माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल 2 अपॉन 8 मीन्स 1 अपॉन 4। Therefore, x comma y is equal to 5 upon 8 comma 1 upon 4। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।